अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप सभी को मुबारकबाद कि आप हज पर जा रहे हैं। और इस फिजियोथेरेपी और फिजिकल फिटनेस का इम्पोर्टेंस क्यों है बेसिकली, आज हम आपको एक्सरसाइज वगैरह क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब आप लोग वहाँ पर जाएंगे, मक्का मदीना में जाएंगे, तो वहाँ पर आप हज के हुकूक बराबर अदा कर सकें, इसके लिए आपको ये एक्सरसाइजेस बताई जा रही है। हमारे कुछ भाई अभी चले गए हैं वहाँ पर, ये फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिट नहीं होंगे वहाँ पे, तो वहाँ पर आपकी तबीयत खराब होगी, आप अच्छे से हुकूक अदा नहीं कर पाएंगे। जिस काम के लिए हम वहाँ जा रहे हैं, इबादत करने के लिए जा रहे हैं, वो अच्छे से नहीं हो पाएंगे। तो आज पहली चीज़ जो अपन को ध्यान रखनी है कि अपने पोस्चर बराबर होना चाहिए। पोस्चर मतलब कि अपनी जो बॉडी का अलाइनमेंट है वो अपन को सही रखना है। जनरली अपनी आदत होती है, अपन मोबाइल चलाते हैं, झुक के चलाते हैं, उससे गर्दन में दर्द आता है। आप सामान लेके जाएंगे आपका एयरपोर्ट पे, किस तरीके से उठाना है उसको, क्योंकि जब हम उठा के उसको लगेज बेल्ट पे रखते हैं तो उसमें कई लोगों की कमर अकड़ जाती है। तो आपको सामान कैसे ज़्यादा झुक के नहीं उठाना, मंजर भाई ने बताया आपको कि ज़्यादा झुकना नहीं है, तो वो चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। बेसिकली आपको बैठने करने का ध्यान रखना है कि आप जहाँ पर बैठ रहे हैं ज़्यादा झुक के लंबे समय तक नहीं बैठना है। झुक के बैठेंगे आपके कमर में तकलीफ आएगा। चप्पल जूते जो आप लेके जा रहे हैं वहाँ पे, उसका ध्यान रखना है, वो सॉफ्ट सोल्स वाले होने चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा टाइट रहे या आपको काट रहे हैं आपके पैरों में, तो आप ज़्यादा चल नहीं पाएंगे। और अभी हम आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी बताएंगे। तो एक्सरसाइज आप करेंगे तो जब आप तवाफ़ देंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप एक्सरसाइज किए बिना अगर तवाफ़ देने जा रहे हैं तो 5 या 7 तवाफ़ दिए, उसके बाद आपके लेग्स के अंदर, काफ के अंदर क्रैम्प्स आने लग जाएंगे। तो एक्सरसाइज सुबह आप एक रूटीन बना लीजिए आज से ही, कि जब तक आप हज पर जाएंगे तब तक आपकी बॉडी इतनी प्रिपेयर हो जाए कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अभी हम अली भाई भी आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे, और आपके भी जो भी डाउट्स हैं फिटनेस से रिलेटेड, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अभी अपन एक्सरसाइज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और आपसे भी ये दरखास्त है कि आपके साथ भी जो लोग जा रहे हैं उनको बताइएगा कि किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है, किस तरीके से स्ट्रेचिंग करनी है, और वो एक रूटीन बना लीजिए। आज से रूटीन बनाएंगे तो जब आप मक्का मदीना में होंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, शुक्रिया। फेफड़े मजबूत होने चाहिए, लंग्स मजबूत होंगे तो आप जल्दी थकेंगे नहीं। अगर फेफड़ा कमज़ोर होगा तो अपन थोड़ी ही दूर चलेंगे और थकान महसूस होगी या सांस फूलने लगेगी। तो आज से ही अपन को फेफड़ों का व्यायाम शुरू करना है। कैसे एक्सरसाइज करना है, तो पहले क्या करना है, एक हाथ छाती पे रखना है, एक हाथ पेट पे रखना है। कोई भी हाथ छाती पे रख सकते हैं, कोई भी हाथ पेट पे रख सकते हैं। नाक से लंबा गहरा सांस लेना है और मुंह से फूंक मारना है। जितना लंबा गहरा सांस ले सकते हैं उतना लेना है, जितना गहरा छोड़ सकते हैं उतना गहरा छोड़ना है, धीरे धीरे, जल्दीबाजी नहीं करना है। जितना लंबा जितना स्लो करेंगे उतना इफेक्टिव हमारे लंग्स पर रहेगा, जितना धीरे करेंगे उतना फायदा हमारे फेफड़े को पहुंचेगा। तो ये एक्सरसाइज आपको 10-10 बार करनी है। नाक से लंबा गहरा सांस, जब तक फेफड़ा पूरा खाली नहीं होता जब तक फूंक मारते हो छोड़ना है। फिर उसके बाद करिए, आप सब करिए, चालू करिए, नाक से लंबा गहरा सांस, मुंह से धीरे धीरे फूंक मारना है। चाहे कैसे फूंक कर रहे हैं, कई लोगों की आदत होती है, हार नहीं करना, फूंक मारना है पूरा, जब तक आपको फील होता है कि भाई फेफड़े में से पूरा हवा खत्म हो गया, जब तक पूरा हवा निकालना है और फिर गहरा सांस लेना है। तो ये पहली एक्सरसाइज होगी। दूसरी एक्सरसाइज क्या करनी है, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाने हैं, फूंक मारते हुए दोनों हाथ नीचे लेके आने। कोहनी सीधी रखनी है, नाक से लंबा गहरा सांस, दोनों हाथ ऊपर लेके जाने हैं, फूंक मारते हुए नीचे लेके आने। तीसरा और आखिरी व्यायाम, दोनों हाथ अपने छाती के बाजू में रखने, नाक से लंबा गहरा सांस, नाक से गहरा सांस लेंगे, छाती फूलती हुई नजर आएगी, फूंक मारेंगे, आपको हवा साथ छाती की फूलती हुई नजर आएगी। तो आपको फील करना है कि आपकी छाती में हवा भर रही है कि नहीं भर रही। नाक से लंबा गहरा सांस लिया, मुंह से फूंक मारा। ये एक्सरसाइज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पर कभी भी कर सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करनी, नहीं तो वॉमिट वगैरह हो सकता है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप आज से ही शुरू करें, और जब तक आप हज पे जाएंगे तब तक आपका लंग्स इतना अच्छा स्ट्रेंथन हो चुका होगा, इतना मजबूत हो चुका होगा कि आपको वहाँ पे हज पे कोई दिक्कत नहीं आएगी।